एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष सलाह में बात करेंगे, सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो लग्न से लग्न का, सूर्य लग्न का और चंद्र लग्न, इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जब भी कुंडली के बारे में हम बात करेंगे। तो आज सूर्य जो आत्मा का कारक होता है, आपके जो सोल है उसका, तो आपका सोल जहाँ जिस भाव में बैठेगा, आपकी आत्मा जिस भाव में का, तो उस भाव से संबंधित वो आपको उसके कार्य करेंगे। और जो ग्रहों की, शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि है उस भाव पे जहाँ पर सूर्य बैठा है, शुभ ग्रह जो हैं आपके चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, बुध है, इनकी जब भी दृष्टि होती है या युति होती है उस भाव में, जिस भाव में सूर्य बैठा है, और वो जो साथ में जो ग्रह बैठा है जिन भावों से वो संबंध रखता है, उनके कार्य के जो करेंगे तो आत्मा को, सूर्य को जो है वो संतुष्टि प्राप्त होगी। तो आपकी आत्मा, आपका सोल जो सूर्य है, वो कहाँ संतुष्ट हो सकता है, उसको आप अपने कुंडली में जो भाव में बैठा है और उस भाव में बैठे जिस ग्रह से युति बना रहा है, दृष्टि संबंध बना रहा है, उन जो ग्रहों के स्वामी हैं उससे संबंधित कार्य से आपकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगी। मान लो किसी का सूर्य 12 भाव में बैठा है और वो वहाँ पर उसके साथ में सूर्य बैठा है और वो 8वें भाव का स्वामी होकर बैठा है, तो 8वां भाव जो है, जैसा कि ज्योतिषी के जो कार्य हम करते हैं, उसके स्वामी के साथ बैठा है, 8वें भाव के स्वामी के साथ में सूर्य 12वें में बैठा है, तो वो ज्योतिषी के जो कार्य क्षेत्र है, ज्ञान है, उसको प्राप्त करके उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसे ही मान लो वो 6ठे भाव में बैठता है, तो 6ठे भाव जो है आपका सेवा का भाव है, तो ये ऐसे जो व्यक्ति है वो सेवा करके उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी तरह से जो भी भाव में सूर्य बैठे, मान लो 5वें भाव में सूर्य बैठा है, और उस तो जातक के उसमें हमेशा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उसकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त होगी, वो तो ज्ञान प्राप्त करेगा। और उसके साथ में मान लो 8वें भाव का स्वामी बैठ जाएगा, तो यहाँ भी ज्योतिषी का रोल आ जाएगा, तो उसको उसमें ज़्यादा उसका सोल को अच्छा लगेगा कि वो ज्योतिषी के जो कार्य क्षेत्र है उसमें अच्छा वो करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। इसी तरह हर एक भाव का हम जहाँ भी सूर्य बैठे हैं और वहाँ पर जिस भाव का स्वामी उसके साथ में बैठा हुआ है या जिस ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उस तरह से उसकी आत्मा को तृप्ति होगी और वो इस जीवन में उसके वैसे कार्य करके सफल होगा। इस तरह से आपने सूर्य के ग्रह के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का हमने प्रयास किया। विस्तृत वीडियो के लिए हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे आप उपलब्ध वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।